सीन्स ये हैं कि भूख लग गई है और पराठा खाने को पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा। हालांकि मुझे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, सूखी रोटी खाने को दिल चाह रहा है और मुझे सूखी रोटी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती, तो इशारा आप मेरा समझ ही सकते हैं किसकी तरफ। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी सर्दी है, आपके लिए मैं पराठा बना देती हूँ, आप मेरे लिए सूखी रोटियां बना दे दो। पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है सूखी रोटी बनाने ओ पड़ी पॉसिबल ही हुई। नहीं है। तो फ्रेंड्स मामा कह रही हैं ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मामा के लिए पराठा बनाऊँ, अगर मामा खड़ी हो गई तो फिर मामा ने अपना भी खुद ही पका के ही आना है अंदर। सो पकाएं फिर जाके। ये मामा पे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है क्योंकि ठंडा आटा होगा मुझे ठंडे आटे की कोई टेंशन नहीं, मैंने तो आज तक और अपनी मामा को इतना ज्यादा जहन जुकाम है में ना। सोचा भी नहीं ये चीज कि आटा ठंडा होगा तो हाँ ठंडे हो जाएंगे। मैंने तो आज तक लाइफ में ये तुम चीज अल्लाह सोच फ्रेंड्स रही हाथ लगाने में डर लगता है ठंडे आते को। हो। हाँ हाँ अभी लगाएं जाके, आपको मुझे आज तक नहीं एक्सपीरियंस। फील फ्रेंड हुआ। मुझे तो लास्ट ईयर भी मुझे एक वीडियो शो हो रही थी हमारी, तो अगर मुझे उसका थंबनेल मिला तो यहाँ पर लिंक करती हूँ। उसमें मैं कह रही हूँ हाय फ्रेंड ठंडा आटा और आज मैं रोजाना रखी, उस दिन मैंने रोजाना रखा था क्योंकि मेरी इधर दर्द थी और मैं सोची थी मुझे कहाँ कहाँ दर्दें होती रहती हैं। इधर पूरे मुझे दिमाग में दर्द थी। जेजी ने अभी गाजर हलवा पूरा गिराने की कोशिश की है। इसी वीडियोज को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज एन एशियन डेली व्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। 2 hours later अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो ऑन की है। जेजी के टॉयज फ्रेंड्स बार बार अंदर डालो और बार बार बाहर निकलते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिए हैं जी ये चिकन, कैप्सिकम एंड टोमेटोस, कैबेज, अनियन एंड समथिंग। दिस इज OMG क्या खुशबू आ रही है। ये हमने कुछ दिन पहले बनाया था तब टोमेटोज एंड अनियंस नहीं डाले थे, तो मैंने कहा ये भी डाल के चेक कर ही लें क्या बनता है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड ये मैंने इसको भी टच भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं किया इवन, ये कहने का मतलब है। तो मामा उठेंगे जब हम कुछ खाएंगे ऑब्वियसली अगेन, क्योंकि हमने ये अभी 1:30 बज रहे हैं और डिनर इस टाइम बना, हमने ब्रेकफास्ट आपके सामने ही किया था बहुत लेट, तकरीबन हमने ब्रेकफास्ट किया, हम उठ गए थे 1:30 बजे लेकिन हमने ब्रेकफास्ट तकरीबन 8 बजे किया। यहाँ पे मैंने मज़ेदार किस्म की चीज़ बना ली है, गाजर हलवा, इसके ऊपर अभी कोई भी गार्निश नहीं डाली और ये 1 kg गाजर थी और 2-3 बीच से ना फ्रिज के पीछे लग गई हुई थी, ख़राब हो गई हुई थी, पर फिर भी चले इतना बन गया क्या कर सकते हैं। गाजर आपको तो श्रिंक हो जाती हैं और गार्निश मैं आपको दिखा दूँ आज इतनी अच्छी नहीं है गार्निशिंग, बिकॉज के सडन प्लान बनाइए सम, एक अखरोट था फ्रेंड्स और ये कुछ बादाम थे बिल्कुल ही सूखे हुए बादाम हैं, तो इन्हीं को ही काट के डालेंगे और मामा यहाँ पे हिलने लग पड़ी हैं। मैंने इतना शोर डाला ये काट करके रखते हैं, फिर जब मामा उठेंगे ना डिनर करेंगे, स्वीट डिश खाएंगे अपनी और मज़े ले लेके आपको रिव्यू देंगे। और अभी मैं थोड़ा यूट्यूब देखती हूँ, सारा गंद हो गया है, सब्जियाँ काटी हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे रोटी भी पकी थी और मैंने इतना क्लीन किया था ना, लेकिन अब मुझे ना आपको मैं अपनी एक गंदी आदत बताने वाली हूँ। अब मैं साफ़ करती हूँ कपड़े से और लोग धोते हैं ना हम फेंक देते, पहले मामा ऐसे ही करती थी मेरी तरह, लेकिन अब मामा ना ज़रा धो लेती हैं या कुछ कर लेती हैं, मैं बिल्कुल ही ऐसे करती हूँ और मुझे ना पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों कपड़ा फेंक दिया, मैं भी धो लेती हूँ। मैं इतना ढूंढ ढूंढ के कि कौन सा कपड़ा मैं लूँ जिससे मैं साफ़ करूँगा, मामा उठेंगी तो मामा मुझे कोई आइडिया देंगी कि ये कपड़ा ले लो तुम, तो फ्रेंड्स अब मुझे इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, अगर आप छोड़ दें ना फिर रोड गंदा हो जाता है, जब मुझे ये इशू आ रहा है मैं इसको साफ़ कर लूँ मुझे मिल नहीं रहा, तो अब मुझे अंदर जाके बैठ जाना चाहिए कंबल में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है भाई और टाइम भी कुछ लेट है, लेट टाइम में आपको तो ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और चलते हैं अंदर फ्रेंड जी, आपने देखा अभी हमारा वेजिटेबल्स और चिकन था वो हमने खा लिया था, इतना ज़्यादा मज़े का था कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और गाजर हलवा तो फिर फ्रेंड्स मैं बनाऊँ और मज़े का ना हो ये हो ही नहीं सकता, तो गाजर हलवे का आपको रिव्यू मिल ही गया है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 hours later सिंधियाँ की चाय बन रही है, मग्स होने वाले थे मैंने मग्स धो लिए हैं एंड चाय की लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आधी चाय हमने फ्राई पैन इग्नोर करना है फ्रेंड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ब्रेकफास्ट के लिए चाय बनाई थी और वो उबल गई थी और काफ़ी देर बेचारी पकती भी रही है, तो फ्राई पैन ऐसा हो गया मेरा धोने को दिल नहीं चाह रहा था, और कौन सा गन यानी क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स चाय वाला ही था ना, तो ये मैं बना रही हूँ चाय और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ फुल चाय वालों की तरह, और इसको बॉयल नहीं आ रहा काफ़ी देर से, ऐसे ऐसे करने की जैसे आई फील वरना जल्दी बॉयल आ जाता है। यम इलायची भी डाली है और क्या खुशबू आ रही है।
पे है जी, चाय चाय बन गई है। मामा को लग रहा था कि पत्ती मैंने कम डाली है, तो मामा ने ना अंदर टी बैग डलवा लिया है। एंड ओ डिफरेंस तो आ रहा है फ्रेंड्स, हलाइन को एक टी बैग डाले ना खाली बिल्कुल सिंपल दूध के अंदर, तो कलर नहीं आता। आप चाय बनाए अंदर टी बैग डाले और अच्छा फ्लेवर भी आएगा, और चाय भी आपकी जरा ब्लैक हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में हरास यम जेजी A few inches later. मुझे लग गई थी भूख और जेजी पिक्चर हो रहा है, क्योंकि जेजी कार्टून देख रहा था। अब मुझे फटाफट से आपको अपना मील दिखाना पड़ेगा। मुझे मेरा मजेदार किस्म का पराठा, एंड ये है जी दाल, ये है जी चाय, यहाँ पर रसमी है फाई वॉलनट थेक, और ये है जी पराठा। यम 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 यम। जेजी के कपड़े चेंज कर दिए थे, और जेजी बड़ा ही क्यूट लग रहा है इस हुड में। खाली हुड्डी बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन लग रहा था कि अभी इसके लिए सर्दी है ज़रा, तो इसको ऊपर श्रग भी बना दिए। बिल्कुल पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो क्यूट टू पाई बन गया है। यहाँ पे धुल रहे हैं कुछ कपड़ास, बहुत ज़्यादा हो गए हैं कपड़ास। हमने रोज़ वाला जो अपना सोचा था ना, वो फ्रेंड्स हमारा नहीं हो पा रहा। कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा नहीं हाल ये हो पाएगा। सिर्फ लगाना ही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ लगानी है मशीन, वो बड़ा मुश्किल काम है भाई। अल्लाह फ्रेंड्स, डालने की तरह अब डाल लेते हैं, नहीं इतना मसला फ्रेंड्स। मैंने बाहर काफ़ी सारी सफाइयाँ की जो मामा आपके साथ शेयर करने वाली हैं, ये नज़रा शेयर करके आए फ्रेंड। यहाँ पे सफाइयाँ हो चुकी हैं और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। ये कुछ कपड़े हमारे जो है वो धुले हुए पड़े हुए हैं, अब इनको उतारते हैं और जो नए धोए हैं वो डालते हैं। यहाँ पे देखिए सफाइयाँ ऑल डन हो चुकी हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और ये कपड़े हमने अभी उतारने हैं इधर से, कपड़े धुल गए थे, सारा सीन हो गया था, सारी सफाइयाँ हो गई थी। ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।